आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की। भाई साहब, नतीजे तो 23 तारीख को आने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नेताओं में खींचतान अभी से शुरू हो गई है। अब देखिए, सबसे बड़ा ड्रामा चल रहा है महाविकास अघाड़ी में। उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और संजय राउत के बीच कुर्सी का महायुद्ध छिड़ चुका है। नाना पटोले बोले, सीएम हमारा होगा, तो संजय राउत बोले, कौन हो तुम लोग, सीएम तो सिर्फ शिवसेना का बनेगा। और उद्धव ठाकरे, भाई वो तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने है वाले मोड में है। अब याद कीजिए 2019, जब शिवसेना ने बीजेपी को धोखा देकर अपनी कुर्सी के लिए गठबंधन तोड़ा था, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही ड्रामा था। फर्क बस इतना है कि तब शिवसेना नंबर वन पार्टी थी और अब पांचवें या छठे नंबर पर। अब देखिए, संजय राउत तो हमें कभी कभी ठाकरे फैमिली के पर्सनल मैनेजर लगते हैं। वो बाला साहब के हिंदुत्व को भुलाकर आज औरंगजेब और वारिस पठान की तारीफ करने वालों के साथ खड़े। वो बाला साहब जिनके दरवाजे पर लाल कृष्ण आडवाणी तक खड़े होते थे, और आज उद्धव ठाकरे खुद सोनिया गांधी और शरद पवार के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। भाई साहब, बाला साहब की पार्टी थी महाराष्ट्र की नंबर वन पार्टी, लेकिन आज संजय राउत के मैनेजमेंट में पार्टी सीधा नीचे गिर गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। संजय राउत को लोग शकुनी मामा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे शकुनी ने दुर्योधन को बर्बाद किया, वैसे ही संजय राउत ने शिवसेना को। देखिए, ये बात तो तय है कि शिवसेना की बर्बादी का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है संजय राउत। अब ये संजय क्या शिवसेना को उद्धव के साथ डुबो रहे हैं या फिर पवार साहब के कहने पर सुपारी ले रखी है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात साफ है, 23 तारीख को चाहे जो हो, लेकिन कुर्सी का ये ड्रामा कमाल का होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे जो फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो साकार होगा, या कांग्रेस और एनसीपी का सपना होगा हकीकत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।